हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय लिटिल वन इंडिया। मेरा नाम है महिमा। आज इस वीडियो में मैं उन 5 गलतियों के बारे में बात करूंगी जो पुरानी धारणाओं के ऊपर माता पिता फॉलो कर रहे हैं, जिसमें नंबर 1 ये है कि कुछ लोग जन्म होते ही बच्चे को ग्राइप वाटर गुट्टी पिलाना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि कुछ पेरेंट्स तो बच्चों को शहद भी देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसे आपके बच्चे का डाइजेशन सिस्टम खराब होता है और आगे चलकर उसे डायरिया का भी सामना करना पड़ सकता है। गलती नंबर 2 है, कुछ लोग मालिश करते वक्त बच्चे के निप्पल में से दूध निकालने की कोशिश करते हैं। ऐसा करना बहुत ही गलत है, क्योंकि इससे बच्चे के निप्पल के एरिया में काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और एसेस हो जाता है। नंबर 3, कुछ लोग अपने बच्चों की आँख में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में काजल लगा देते हैं। ये काजल जो होता है बच्चे के डक को बंद कर देता है और बच्चों की आँख से जो पानी निकलता है वो ठीक तरीके से निकल नहीं पाता। ऐसे में बच्चों के आईज़ में इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ता है और कंजक्टिवाइटिस होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। नंबर 4, कुछ लोग अपने बच्चे के नाभि पर यानी कि अम्बिलिकल कॉर्ड पर काफ़ी ज़्यादा हल्दी है, तेल है, घी है, ये सब लगाते हैं। ऐसा भी नहीं करना चाहिए, इससे भी बच्चों को बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है। नंबर 5, कुछ लोग माँ का जो सबसे पहला दूध आता है, जिसको बहुत ज़्यादा प्रोटीन से युक्त माना जाता है, वो लोग पहला दूध फेंक देते हैं या फिर बच्चे को नहीं पिलाते। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। माँ का जो पहला दूध होता है वो बच्चों के लिए न्यूट्रिशन से भरा होता है। ऐसे में बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ जो बच्चे को विटामिन्स दे सकती हैं, बच्चे को काफ़ी ज़्यादा हेल्दी बना सकती हैं, वो आप शुरू में ही फेंक देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको वो दूध बच्चे को ज़रूर देना है।